What is gluten? How it is being used in the market? Whether you have to stay on a gluten-free diet or not? To know all these answers, keep watching the video till the end. Don't go anywhere. Hello, my name is Rishabh Grover and welcome to Fit IU. So, we are going to talk about gluten. Ke baare mein. So, gluten kya hai? Gluten is simply a protein in wheat. Wheat ke andar jo protein hai, wahi gluten hai. आपके घर में जो आटा होता है तो उसकी जो स्टिकीनेस है उसकी जो ग्लूइनेस ग्लूई वो किस वजह से है वो सिर्फ और सिर्फ उस ग्लूटेन की वजह से है. ग्लूटेन प्लांट्स के अंदर वीट प्लांट के अंदर पाया जाता है. ग्लूटेन प्लांट जो है वो अपनी यूजेज के लिए ताकि वो अपने सीड्स को जर्मिनेट कर पाए उसी वजह से वो प्लांट जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है. सो जब हम आटा बनाते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी जो फ्लफीनेस है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूटेन की वजह से. सो अब मार्केट में इसका किस तरीके से यूज़ हो रहा है आप देखते हैं. यू विल बी गोइंग टू द पिज्ज़ा हट बर्गर किंग्स और KFC मैकडोनल्ड्स. सो यू सी देयर पिज्ज़ा बेसिस बर्गर्स. सो उसका जो फ्लफीनेस है जो क्रंचीनेस है वो किस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूटेन की वजह से. तो ग्लूटेन ही है जो इन सबके फ्लफीनेस का कारण है. तो ग्लूटेन पहली बात बुरा नहीं है लेना. कहाँ बुरा है वेयर द ग्लूटेन विल गिव यू हार्म. इट विल गिव यू हार्म ओनली व्हेन यू आर टेकिंग ग्लूटेन इन योर जंक फूड. अगर आप जंक फूड के अलावा जो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनके अलावा अगर आप ग्लूटेन लेते हैं ना तो आपको नुकसान नहीं देगा. सिर्फ आप जो अगर वो जंक फूड है जो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं केक्स एंड मेनी अदर यू नो ब्रेड क्रम्स पिज्ज़ा बेसिस बर्गर्स अगर आप उसमें ले रहे हैं ग्लूटेन तो वो आपको बहुत हार्म कर सकता है. पर अगर आप एक नॉर्मल घर की चपाती भी खा रहे हैं तो आप उससे भी फैट लॉस या फिर अपनी बॉडी का वेट लॉस आराम से कर सकते हैं. इट इज़ जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ फूड टेकन एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम. That's what makes a difference. So you have to make sure कि आप gluten अगर ले रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा highly processed foods में ना हो तभी आपको वो नुकसान नहीं देगा. Second thing which I was talking about कि अब जो gluten है वो उन foods में add किया जाता है जो कि बहुत high in vegetable oils हैं और low in nutrients and antioxidants. सो इन फूड्स के अंदर वो स्पेसिफिकली ग्लूटेन ऐड किया जाता है ताकि बस उसको एक अच्छा सा शेप दे सके वो फूड दिखने में काफ़ी अच्छा लगे हमें और हम खुद को रोक ना पाए कि हमें वो फूड नहीं खाना. सो दैट्स व्हाई यू नो वी अट्रैक्ट टू दोज थिंग्स विच आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल टू अस एंड दैट्स व्हाट विद फूड्स. एंड वही ग्लूटेन जो है उन्हीं फूड्स को एक अच्छी शेप दे देता है और हम खुद को रोक नहीं पाते. Yes, answer to the third question that it is not necessary that you have to stay on gluten-free diet. So, what you have to make sure that कि आप जो gluten ले रहे हैं, junk food वाला नहीं, processed foods वाला नहीं, जो normal घर का जो रोटी है, जो घर का खाना है, उसका timing सही हो. कि आपने अगर dinner का एक time fix कर रखा है, तो उसी time पे आपको dinner करना है. अगर आपको रोटी खानी है तो वो कब खानी है. मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग आउट रेगुलरली सो दैट यू कैन ईजिली डाइजेस्ट दोज कार्ब्स आफ्टर योर वर्कआउट और टेकिंग दोज कार्ब्स बिफोर द वर्कआउट. सो यू हैव टू फिक्स द टाइमिंग्स. आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और टू हिट द लाइक बटन. एंड मैं आपके लिए वीडियोज इसी तरीके की वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूँगा. And lots of love for you guys. Please, you can connect with me on Instagram, on Facebook, or you can DM me any of your queries. I'm always here to help you guys. And milte hain next video mein. Tab tak, stay healthy, stay good, and work out regularly. Bindaas.